to raise the issue of Ladakh and the struggle that my brothers and sisters in Ladakh are going through, asking for their rights, for their statehood. So I wanted to support them and I wanted to raise their issue in the parliament. Unfortunately, the government doesn't allow us to raise it. So I want to send a message to everybody in Ladakh that we are with you and we are going to raise your issue. Unfortunately, the government is not interested in allowing us to raise your issue. आज मैंने पार्लियामेंट हाउस में लद्दाख के बारे में अर्जुनमन पोषण रखा था, उनके स्टेटहुड के बारे में. वहाँ पे काफी गुस्सा है, काफी दर्द है. हम इसको यहाँ उठाना चाहते थे मगर सरकार ने उठाने नहीं दिया. आपकी जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और जो आपका मुद्दा है उसको हम उठाएंगे और जो आपकी लड़ाई है एक साथ हम उस लड़ाई को जीतेंगे. राहुल जी, सरकार का कहना है कि हाउस ऑर्डर में नहीं आता है तो इस वजह से डिस्कशन नहीं होगी. हम हर चीज पे चर्चा करने के लिए आप सरकार के लिए काम करते हैं? नहीं, सरकार आप सरकार के लिए काम करते हैं. मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी सरकार आपका, क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? नहीं नहीं, मैंने जवाब देने दो. आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? हाउस को ऑर्डर में रखने का किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपोजिशन की नहीं होती है, सरकार की होती है. सरकार का आरोप है कि आज बैठक उन्होंने बुलाई थी, बैठक में विपक्ष के नेता नहीं गए. क्लियर बात है, हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खेरी के मामले पर डिस्कशन करने दे. सरकार करने नहीं देती. हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती. जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने देती. हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देगी. और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने देंगे. जिम्मेदारी सरकार की होती है, आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए. जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की, हमारी नहीं होती. और सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट को वो चलने दे. राहुल जी, फोन टेप लगा है कि फोन टेप किए जा रहे हैं उनके और तमाम लोगों के फोन टेप किए जा रहे हैं और सेंट्रल एजेंसीज का भी. वो पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था, किसी और देश में हिंदुस्तान की का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी. तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है. इसलिए हम यहाँ लड़ रहे हैं. मेरा मेन लक्ष्य यहाँ पे जो लद्दाख का मुद्दा था उसको उठाने का था. और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, लद्दाख के सब लोगों को कहना चाहता हूँ, डरो मत, जो आपका है वो आपको मिलेगा.